नमस्कार, मैं हूं अर्चना चौधरी। आज हम फिजिक्स 11th का फर्स्ट चैप्टर भौतिक जगत स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली इस चैप्टर का जेईई और नीट से ज्यादा कभी कुछ नहीं आया, पर 11th के लिए इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा आपको आइडिया देगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाएगा क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं और फिजिक्स होता क्या है। सो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, भौतिकी क्या है? मैं साथ साथ में आपको थोड़ा थोड़ा सा इंग्लिश में बताती जाऊंगी, क्योंकि 11th और 12th के बाद आप जब भी जहां भी पढ़ेंगे आपको हमेशा सब कुछ इंग्लिश में पढ़ना होगा। सो इट्स बेटर टू स्टार्ट नाउ। अभी से थोड़ा थोड़े हम वर्ड्स लिखते चले जाएंगे और थोड़े थोड़े समझते चले जाएंगे। सो भौतिकी क्या है? व्हाट इज फिजिक्स? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भौतिकी एक साइंस है, एक विज्ञान है। तो साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस विज्ञान। साइंस को लिया गया है लैटिन भाषा के वर्ड सिंटिया से, सिंटिया जिसका मतलब होता है जानना, किसी भी चीज को जानना, किसी भी चीज के बारे में पढ़ना समझना साइंस कहलाता है। अब भौतिकी क्या होता है? भौतिकी, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स को लिया गया है ग्रीक भाषा के वर्ड फूसिया से, जिसका मतलब होता है प्रकृति। जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेचर। तो बेसिकली हम भौतिकी, भौतिक विज्ञान को क्या बोलेंगे? प्राकृतिक विज्ञान नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो ये तो हुआ हमारा भौतिक विज्ञान शब्द का मतलब क्या है। अब इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, परिभाषा देखें, तो क्या होगा? भौतिकी विज्ञान मीन्स प्राकृतिक विज्ञान। सो प्रकृति में होने वाली सभी घटनाओं के बारे में जानना और समझना हमारा भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो बुक्स में हमें डेफिनेशन मिलेगी, भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंदर प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अगर हम इसका उदाहरण देखें, आप जहां भी देखो हर जगह आपको फिजिक्स मिलेगी। सूरज का निकलना, सूरज का ढलना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, जब चांद आता है तो सूरज कहाँ जाता है, दिन में तारे क्यों नहीं चमकते, आसमान नीला क्यों होता है, इंद्रधनुष कैसे निकलता है, ग्रह उपग्रह सबके बारे में हम कहां पढ़ते हैं? अपने फिजिक्स के अंदर। तो फिजिक्स की डेफिनेशन बोलती है कि प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन हमारा फिजिक्स होता है। अब एक दूसरी चीज आती है द्रव्य, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मैटर। सो द्रव्य कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और जो जगह घेरती हो उसे हम मैटर या द्रव्य कहते हैं, और जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों मीन्स सेंसेस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली महसूस कर सकते हैं। तो द्रव्य में क्या आएगा आपका? आप, मैं, ये व्हाइट बोर्ड, ये घर, आपकी लकड़ी, पत्थर, ठोस, जितनी भी ठोस हैं, द्रव्य, गैसेस, सब हमारे द्रव्य में आते हैं। दूसरी चीज होती है हमारी ऊर्जा। एनर्जी, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। अब ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा तापमान, जब भी हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो हमें गर्मी फील होती है, ऊष्मा वो हमारी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जिसके बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, नाभिकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, ये सब हमारी होती है
ऊर्जाएं। तो पहले बोला जाता था कि द्रव्य और ऊर्जा दोनों एक दूसरे पे निर्भर नहीं करते, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। पर बाद में हमारे साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने एक समीकरण निकाला और बोला कि नहीं, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और उन्होंने समीकरण दिया E=mc2, जहां E है हमारा ऊर्जा, m है द्रव्यमान और c है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो आइंस्टीन ने बोला कि द्रव्य और ऊर्जा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर द्रव्यमान में कुछ चेंज होगा तो ऊर्जा में भी कुछ ना कुछ चेंज जरूर होगा। तो इस समीकरण के ऊपर फिर फिजिक्स की नई डेफिनेशन आई। तो हमारी आइंस्टीन के समीकरण के ऊपर हमारी भौतिक विज्ञान की एक नई परिभाषा आई, जिसे बोला गया भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान, उनके अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। ये सब कुछ हम अपनी 11th क्लास में पढ़ेंगे। आपने 10th में पढ़ा होगा कि ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। सपोज आपने ये मार्कर लिया, मार्कर को यहां से छोड़ो तो यहाँ मार्कर आपका स्थितिज ऊर्जा, जब ये गिर रहा है गतिज ऊर्जा, जब नीचे आके रुक जाता है फिर से स्थितिज ऊर्जा। तो आपका स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरण कैसे होता है, तो वो सब कुछ भी हम अपनी फिजिक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भौतिकी का कार्य क्षेत्र तथा रोमांच, कहाँ कहाँ हमारा भौतिकी काम करता है और उसका रोमांच क्या है, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो बेसिकली फिजिक्स के कार्य क्षेत्र को हमने दो भागों में बांटा, पहला स्थूल, दूसरा सूक्ष्म। स्थूल को हम कहते हैं इंग्लिश में मैक्रोस्कोपिक और सूक्ष्म को हम बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक। सो स्थूल में बेसिकली हम बड़ी बड़ी वस्तुओं की स्टडी करते हैं और स्थूल की स्टडी करने के लिए जिस फिजिक्स को हमने यूज किया उसे बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। और हिंदी में इसे बोलते हैं चिरसंबित यांत्रिकी। बेसिकली स्थूल में हम पढ़ते हैं अपने खगोलीय पिंडों, ग्रहों, उपग्रहों, सूरज, चांद, इन सब के बारे में हम अपनी स्टडीज करते हैं स्थूल मैक्रोस्कोपिक में, जिसमें हम यूज करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक, जहां साइज बहुत छोटा हो जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, मतलब यहां हम पढ़ेंगे अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक, इन सब के लिए। तो सूक्ष्म कार्य क्षेत्र को पढ़ने के लिए हम जिस फिजिक्स को यूज करते हैं उसे बोला गया है, वो है क्वांटम मैकेनिक्स। और हिंदी में इसे बोलते हैं हम क्वांटम यांत्रिकी। अब पढ़ते हैं कि स्थूल और सूक्ष्म में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। स्थूल परिघटनाओं की व्याख्या एक्सप्लेनेशन हमने दी थी क्लासिकल मैकेनिक्स से, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चिरसंबित यांत्रिकी। अब चिरसंबित यांत्रिकी को दोबारा से बांटा गया इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, यांत्रिकी इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिक्स, विद्युत गति की इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऊष्मा गति की थर्मोडायनामिक्स, प्रकाशिकी
ऑप्टिक्स, दोलन तथा तरंगे, ऑक्सीलेशन एंड ऑसिलेशंस एंड वेव्स। सो सबसे पहले यांत्रिकी में हम क्या क्या पढ़ेंगे? यांत्रिकी में हम पढ़ेंगे द्रव्य के बारे में, यांत्रिकी में हम पढ़ेंगे बल के बारे में, कार्य के बारे में, दिशा के बारे में, गति के बारे में, बलाघूर्ण के बारे में, न्यूटन की गति की समीकरण हम इसमें पढ़ेंगे, v equals to u plus at वगैरह सब। गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में पढ़ेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। नियम, ये सब कुछ, ये सारा यांत्रिकी हम पढ़ेंगे अपने 11th क्लास में। अब आते हैं विद्युत गतिकी। विद्युत गतिकी में हम पढ़ेंगे करंट के बारे में, जिसे हम कहते हैं धारा। विद्युत विभवांतर आवेश विद्युत तथा चुंबकीय घटनाएं इसमें हम पढ़ेंगे मैक्सवेल इक्वेशंस। और इसी में हम पढ़ेंगे कैसे विद्युत और चुंबक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहां आपका विद्युत क्षेत्र होगा वहीं आपका चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। ये सब कुछ भी हम पढ़ेंगे अपनी 11th क्लास में। नेक्स्ट आता है ऊष्मा गतिकी, थर्मोडायनामिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे अपनी ऊष्मा के बारे में, तापमान के बारे में। ऊष्मा तापमान और ऊष्मा का रूपांतरण कैसे होता है, एक प्रकार से दूसरे प्रकार में ऊष्मा ऊष्मा का रूपांतरण कैसे होता है, भाप इंजन या ऊष्मा इंजन भी कहते हैं। ये सब कुछ हम पढ़ेंगे अपनी ऊष्मा गतिकी में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जेईई के लिए। ये भी हमारा है 11th में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है प्रकाशिकी, मींस ऑप्टिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे सब कुछ प्रकाश किरणों के बारे में, प्रकाश के बारे में। कैसे हम अपने आप को शीशे में देखते हैं, कैसे हमें चीजों के अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, अलग अलग नियम हम पढ़ेंगे, जैसे विवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण। और इसी में हम पढ़ेंगे कि जैसे हमारा साबुन का बुलबुला होता है, आपने कभी भी देखा होगा बुलबुले के ऊपर बहुत सारे अलग अलग रंग होते हैं, एक इंद्रधनुष होता है, वो क्यों दिखाई देता है। इसी में हम पढ़ेंगे इंद्रधनुष कैसे बनता है। सो ये सब हम पढ़ेंगे अपना 12th क्लास में। वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल यूनिट है ये आपकी। नेक्स्ट आता है हमारा दोलन तथा तरंगे, ऑसिलेशन एंड वेव्स। सो दोलन आपने पढ़ा होगा अपने 10th में भी, एक आप
आप एक पेंडुलम लीजिए, पेंडुलम क्या होता है, एक ठोस नीचे एक भारी गोला होता है, ऊपर धागे से बंधा होता है, उसे छोड़ दीजिए तो वो ऐसे ऐसे मूव करता है, उसे हम बोलते हैं दोलन। तो इसमें हम पढ़ेंगे दोलन गति के बारे में। तरंगों के बारे में कि हमारी ध्वनि तरंगे, मैं जो आपको बोल रही हूं वो आप कैसे सुन रहे हो, हमारी ध्वनि तरंगे माध्यम में कैसे चलती है। ध्वनि तरंगे, और अगर आप एक स्वरित्र, हमने भी स्वरित्र जो होता है एक वाई शेप की हमारी इंस्ट्रूमेंट होता है, तो अगर आप उसे किसी सॉलिड चमड़े पे मारो तो वो ऐसे ऐसे कंपन करना स्टार्ट कर देता है, तो उसमें वो ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है और वो ध्वनि कैसे माध्यम में आगे बढ़ती है, उस सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे अपनी दोलन तथा तरंगों में, और ये टॉपिक भी हमारा है 11th क्लास में। बेसिकली बहुत सारा फिजिक्स में, हमारे यूपी बोर्ड की फिजिक्स में ऑलमोस्ट आपको सब कुछ पढ़ा दिया, बट सब कुछ ऊपर ऊपर से, सबका एक तरीके से इंट्रोडक्शन उन्होंने आपको दे दिया है, और 11th की फिजिक्स थोड़ी सी डिफिकल्ट है 12th की फिजिक्स से, डरा नहीं रही हूं मैं, बस इसलिए कि ध्यान लगा के पढ़िए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो सब कुछ बहुत आसान है, बिल्कुल हलवा है सब कुछ। दूसरा हमारा आता है सूक्ष्म परिघटनाएं। फिजिक्स को हमने दो भागों में बांटा था, स्थूल और सूक्ष्म परिघटनाएं। अब जो सूक्ष्म परिघटनाएं है उसे हम पढ़ते हैं क्वांटम यांत्रिकी की सहायता से। तो उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें हम पढ़ेंगे नाभिक के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में, और हम पढ़ेंगे नाभिकीय विखंडन क्या होता है। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, नाभिकीय संलयन क्या होता है, और इसमें हम पढ़ेंगे फोटोन के बारे में। अभी फोटोन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब तो थोड़ा थोड़ा सा सुना है, थोड़ा थोड़ा सा आइडिया है कि क्या क्या होते हैं। फोटोन क्या होता है, जो हमारा प्रकाश है, जो प्रकाश किरणें हैं, वो छोटे छोटे कणों से मिलके बनी है, जिन्हें हम कहते हैं फोटोन। सो ये सब हमारा पढ़ेंगे हम अपने सूक्ष्म परिघटनाओं में। सो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी भौतिकी, प्रौद्योगिकी एवं समाज, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये तीनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। भौतिकी और प्रौद्योगिकी मीन्स फिजिक्स और टेक्नोलॉजी में हमारा क्या रिलेशन है। तो जब साइंटिस्ट ने हमारे खोज की तो उन्होंने एक चीज ढूंढी कि नई भौतिकी एक नई टेक्नोलॉजी को जन्म देती है, वहीं एक पुरानी टेक्नोलॉजी एक नई भौतिकी को जन्म देने की प्रेरणा देती है। समझते हैं कैसे। तो जब उन्होंने देखा कि पानी उबल रहा है, पहले भी एक्सप्लेन किया था हमने, पानी उबलता है तो उसके ऊपर जो ढक्कन है वो ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब ऊष्मा का रूपांतरण हो रहा है कार्य में, और उस कार्य से वो ढक्कन ऊपर नीचे हो रहा है पानी के बर्तन, उबलते हुए पानी के बर्तन के ऊपर रखा हुआ। तो उससे उन्होंने क्या करा, ऊष्मा के रूपांतरण से उन्होंने बनाया ऊष्मा इंजन। फिर ऐसे ही हमारे एक साइंटिस्ट थे फैराडे, जिन्होंने चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को एक्सप्लेन किया, और जिसकी वजह से हमने नई नई टेक्नोलॉजी आजाद की। तो लेट्स सी कि अब देखते हैं कि कौन कौन से नए काम उससे हुए। तो ऊष्मा के रूपांतरण से बना हमारा ऊष्मा इंजन, फिर हमने स्टडी की अर्धचालकों की, अर्धचालकों, डायोड, ये सब हम पढ़ेंगे, ट्रायोड, और उससे बना हमारा रेडियो,
फिर थोड़ा सा और भौतिकी में नई रिसर्च हुई, फिर बना हमारा टीवी, फिर उसके बाद बना हमारा कंप्यूटर, और फिर उसके बाद बने हमारे रोबोट। नेक्स्ट हमारा आता है नाभिकीय विखंडन। नाभि के विखंडन से बना हमारा परमाणु बम। फिर नाभिकीय संलयन, नाभि के संलयन से हमारा बना हाइड्रोजन बम। हम बहुत पढ़ते हैं डेली लाइफ में, सभी सुनते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी, चोट लगी है एक्सरे करा लो। क्या होता है एक्सरे? एक्सरे भी हमारा फिजिक्स से ही आया, एक्सरे या हम इसे कहते हैं एक्स किरणें। इसका यूज हुआ हमारा अल्ट्रासाउंड में, एंडोस्कोपी में। सो इन सब नई नई फिजिक्स की वजह से हमें नई नई टेक्नोलॉजीज मिली। अभी वो जैसे पहले हम यूज करते थे टेलीफोन, वायर वाले टेलीफोन होते थे, जमीन के अंदर तार बिछे होते थे और सारे टेलीफोन एक दूसरे से कनेक्ट होते थे, तो उसमें परेशानी क्या थी कि अगर आप कहीं फंस गए हो और वहां आसपास आपका टेलीफोन बूथ नहीं है तो क्या करोगे? यू कांट कॉन्टेक्ट एनीवन, किसी को कॉन्टेक्ट ही नहीं कर पाओगे। सो हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी ने हमें प्रेरित किया कुछ और रिसर्च करो, कुछ और नया बनाओ। सो टेलीफोन से क्या हुआ? फिर हमने पढ़ा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में, और उससे फिर हमारा बना वायरलेस टेक्नोलॉजी। क्या है ये वायरलेस टेक्नोलॉजी? वही जो हम सब कुछ आजकल देखते हैं, इंटरनेट, वाईफाई, मोबाइल, ये सब वायरलेस टेक्नोलॉजी है। इंटरनेट, ये सब हमारे। एक और इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पुरानी टेक्नोलॉजी से आपका नई टेक्नोलॉजी कैसे बनती है फिजिक्स को ज्यादा से ज्यादा पढ़ के। सो सबसे पहले हमारा बना था ऊष्मा इंजन, जिसे हम कहते थे भाप इंजन। बट इसकी कार्य क्षमता बहुत 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 कम थी। सो फिर और ज्यादा पढ़ा गया, और ज्यादा ऊष्मा के बारे में, एनर्जी के ट्रांसफर के बारे में पढ़ा गया, और भाप इंजन से हमारा फिर आया डीजल इंजन, जिसकी कार्य क्षमता भाप इंजन से कई गुना ज्यादा थी। तो ये था हमारा भौतिकी और प्रौद्योगिकी में रिलेशन, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए। दूसरी चीज आती है हमारी फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो एक सीधी सी बात है, ये सारे लाभ किसे हुए हैं? हमें। सोसाइटी कौन है? हम लोग। समाज कौन है? हम लोग। अब हमें कुछ सेकंड लगते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कांटेक्ट करने में। प्लेन, एयरप्लेन बने नहीं तो पहले पानी के जहाज से जाते थे, हफ्तों महीने लगते थे जाने में, बीच में रुक रुक के धीरे धीरे, या पहले बैलगाड़ी से जाते थे, एक सिटी से दूसरी सिटी जाने में हफ्तों लग जाते थे। अब हम कैसे जाते हैं? कार है, प्लेन है, वो सब कहां से आए हैं? फिजिक्स, न्यू टेक्नोलॉजी। बट इसमें एक और चीज भी है, जहां आपका विकास है वहीं आपका विनाश भी है, जहां आपका स्रोत है वहीं आपका गर्त भी है, मींस जहां आपका सोर्स है वहीं आपका सिंक भी है। तो अगर आप इसे देखो, ये क्या है?
परमाणु बम हाइड्रोजन का, ये विकास है पर ये एक बहुत बड़ा विनाश भी है अगर आप इसे अच्छे से यूज ना करें। इंटरनेट, इसने हमारी लाइफ बहुत इजी बनाई है पर किसी की लाइफ में आजकल सिक्योरिटी है, आपकी प्राइवेसी है नहीं। इंटरनेट का अगर गलत यूज हो तो आपकी प्राइवेसी भी खत्म हो जाती है। सो टेक्नोलॉजी को बहुत ही सोच समझ कर यूज किया जाना चाहिए। सो ये रिलेशन हुआ हमारा फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी में। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी प्रकृति के मूल बल, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। इस चैप्टर में से ये भी एक हेडिंग है जो टॉपिक है जो मोस्टली 11th एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाता है। पहले बोल चुकी हूँ जेई और नीट में इसमें से कुछ नहीं आता, बट जस्ट टू गिव यू आइडिया, एक छोटा सा आइडिया मिल जाएगा आपको कि आप क्या क्या पढ़ चुके हो। मिल भी गया अब तक कि क्या क्या पढ़ना है, कितना करना है और कितनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। प्रकृति के मूल बल, पहला बल है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है दो निकायों के बीच में। मतलब दो पिंडों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में ये बल कार्य करता है। बड़े बड़े द्रव्यमानों के बीच में, जहां द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो वहां हमारा गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी कैसे घूमती है, इस गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा कैसे घूमता है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। ये बल हमारे कैसे होता है, अगर हमारे पास दो द्रव्यमान है M1, M2 और उनके बीच की दूरी R है, तो इन पे लगने वाला बल होगा F=gm1m2/r², जहां G हमारा क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, M1 द्रव्यमान, M2 दूसरा द्रव्यमान, R दोनों के बीच की दूरी। ये बल हमेशा आकर्षण बल होगा। ये बल हमारे दीर्घ परास बल होते हैं, इनकी जो रेंज होती है वो इंफिनिटी तक होती है। और ये बल हमारे, इनकी प्रबलता, इनकी स्ट्रेंथ कैसे होती है, ये क्षीण बल होते हैं। दूसरा हमारा आता है क्षीण नाभिकीय बल। नाभिकीय बल नाभिकों के बीच में लगने वाला, ये बल आप नहीं पढ़ोगे, ये आपके कोर्स में नहीं है, क्योंकि ये फोर्सेस केवल देखी जाती है जब हमारा रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ होता है। तो बेसिकली ये काम करती हैं न्यूट्रिनो तथा मूल कणों के बीच में। दूसरा, ये बल हमारे पाए जाते हैं बीटा डिके में, हिंदी में कहेंगे हम इसे बीटा क्षय। रेडियो एक्टिविटी के दौरान हमारे अल्फा बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं, तो जब बीटा पार्टिकल का क्षय होता है, बीटा कणों का क्षय होता है, तब हमारा नाभिकीय बल देखे जाते हैं। ये हमारे लघु परास बल होते हैं, नाभिकों के बीच में काम कर रहे हैं, नाभिक बहुत छोटा होता है, तो लघु परास बल होते हैं। रेंज इनकी कितनी होगी, 10^-14 मीटर से 10^-15 मीटर तक। नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये फोर्स हमारा कार्य करता है दो आवेशों के बीच में। अब
जैसे हमारा कोई आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, उनके बीच की दूरी R है, तो बल हमारा होगा F = k Q1 Q2/R² ये नियम हम पढ़ेंगे, इसे कहते हैं कुलाम का नियम। सेम गुरुत्वाकर्षण की तरह ही है, पर दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा हमारा आकर्षण बल होगा, बट आवेशों के लिए हम जानते हैं प्लस प्लस हो माइनस माइनस हो, मींस समान आवेश हो तो हमारा होगा प्रतिकर्षण बल, विपरीत आवेश हो तो हमारा होगा आकर्षण बल। तो विद्युत चुंबकीय बल हमारा होता है प्रतिकर्षण या आकर्षण, ये बल हमारा कुछ भी हो सकता है। दूसरा, ये भी हमारे लघु प्रास बल होते हैं, इनकी रेंज भी हमारी इन्फिनिटी तक होती है। दूसरा, प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल, ये बल हमारे नाभिक के अंदर काम करते हैं। कैसे? नाभिक हमारा आपस में बंधा रहता है, तो ये बल हमारे कहां काम करेंगे? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में। न्यूट्रॉन्स के बीच में ये हमारे बल कार्य करते हैं, ये भी हमेशा आकर्षण बल होंगे। एक और बात ध्यान रखना, ये नाभिक के अंदर कार्य करते हैं, सो ये बल हमारा इलेक्ट्रॉन्स पे नहीं लगता है, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में लगता है। अब एक बात हमारे दिमाग में आएगी कि नाभिक के अंदर हमारे बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रॉन होते हैं, हमेशा प्रोटॉन न्यूट्रॉन के तो बीच में नहीं लगेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी ये काम करेगा, तो कॉम्बिनेशंस क्या आ जाते हैं? ये प्लस और जीरो दिखा रहा है कि ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो अब अगर आप विद्युत चुंबकीय बल को देखो, तो उसमें हमने क्या बोला? समान चार्ज हो तो प्रतिकर्षण होगा। अब यहां तो प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी हम क्या कह रहे हैं? आकर्षण बल होगा। हाँ, ये बल भी लगेगा, बट इसके कंपैरिजन में, इसके अपेक्षिक जो ये बल होंगे बहुत 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 स्ट्रांग होते हैं, सो इस बल को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर ये वाला बल ज्यादा प्रबल होगा तो हमारा नाभिक फट जाएगा, तो इसलिए नाभिक के अंदर नाभिक के बल काम करते हैं, और ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग फोर्सेस होती है। तीसरा चीज, ये भी हमारे कैसे होंगे? लघु परास दीर्घ परास, नाभिक के अंदर है ऑब्वियसली, लघु परास बल। रेंज क्या होगी? 10^-14 मीटर टू 10^-15 मीटर, और ये क्या होते हैं? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रबल बल। तो ये थे हमारे चार मूल बल, प्रकृति के मूल बल। गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण बल होगा, दो निकायों के बीच में लगेगा। क्षीण नाभिक के बल बीटा डीके में ये बल हमारा काम करता है, लघु परास बल होता है। विद्युत चुंबकीय बल दो आवेशों के बीच में होगा, तो ये प्रतिकर्षण भी हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है। सॉरी, विद्युत चुंबकीय बल हमारे होंगे, सॉरी, दीर्घ परास बल। प्रबल नाभिक के बल, ये हमारा नाभिक के अंदर कार्य करने वाला बल है, और केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, इलेक्ट्रॉन्स के नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के बाहर होते हैं, और ये हमारा लघु परास बल और सदैव आकर्षण बल होगा। चलो अब एक छोटा सा कंपैरिजन देख लेते हैं चारों बलों के बीच में। तो अब हम देखते हैं चारों बलों के बीच में कंपैरिजन, प्रबलता या स्ट्रेंथ के आधार पे, कि कौन सा बल कितना अधिक स्ट्रांग है।
तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, अगर हमारा नाभिकीय बल एक है तो हमारा विद्युत चुंबकीय बल होगा 10^-2। क्षीण नाभिकीय बल होगा 10^-13। गुरुत्वाकर्षण बल होगा 10^-38। तो सोच सकते हो कि नाभिकीय बल कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक नाभिक को तोड़ने के लिए या जोड़ने के लिए हमें कितनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। सोचो नाभिक के बल अगर एक है तो विद्युत चुंबक के बल उसका 1/100 होगा, क्षीण नाभिक के बल उसका 1/10^13 होगा और गुरुत्वाकर्षण बल उसका 1/10^38 होगा। सो अगर एक छोटा सा विकल्प में आपके क्वेश्चन आ जाते हैं कि सबसे सबल बल कौन सा है, सबसे स्ट्रॉन्ग बल कौन सा है, तो वो है प्रबल नाभिकीय बल। अब देख लेते हैं इनकी रेंज, परास गुरुत्वाकर्षण बल हमने क्या कहा था, पृथ्वी और सूर्य, दिमाग में रखो पृथ्वी और सूर्य, तो आपको याद रहेगा दीर्घ परास बल। रेंज होगी इन्फिनिटी। शीर्ण नाभिक के बल, नाभिक वर्ड शब्द से याद रखो, नाभिक के जितना छोटा तो लघु परास, रेंज होगी 10^-14 मीटर से लेके 10^-15 मीटर। कितना छोटा है, मीटर का भी 10^14 भाग। विद्युत चुंबकीय बल भी हमारा दीर्घ परास बल, इसकी रेंज भी इंफिनिटी। प्रबल नाभिकीय बल, ये भी हमारा नाभिक के बीच में कार्य करता है तो लघु परास बल, रेंज कितना होगा 10^-14 मीटर से, जो हमारे नाभिक का साइज होता है क्योंकि नाभिक के अंदर काम कर रहा है, 10^-15। तो इस चैप्टर के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते रहिए, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।